उज्जैन युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस नए जिला अध्यक्ष और नए पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, उसको लेकर किस प्रकार से क्या रहेगा? माध्यम से हम संगठन में थोड़ी नई मेहनत करके लोगों को जोड़ना चाहते हैं। संगठन में सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि सारे संगठन में जो भी लोग कार्यकर्ता और हमारे साथी युवा साथी हमारे साथ में आकर नगर निगम चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में भागीदारी करके कांग्रेस को जिताएं, यह हमारी प्राथमिकता है। ये जो हरजीत को लेकर काफ़ी टफ मामला था, इस पर किस प्रकार से क्या है और क्या इसे कांग्रेस के इलेक्शन जो राहुल गांधी जी ने हमारे नेता ने जब लॉन्च करे थे, उसका मतलब ये था कि उसमें कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं, जो ज़्यादा वोट लाएगा वो अध्यक्ष रहेगा, जो उससे थोड़ा कम वोट लाएगा वो उपाध्यक्ष रहेगा। ये चुनाव में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि कोई हार जीत नहीं होती, कन्या साथ में लेकर पूरा काम चल रहा। भाई साहब, देखें भारतीय जनता पार्टी में प्लानिंग को लेकर कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है और साथ कर कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या इस प्रकार से कांग्रेस में भी बदलाव करने की या कार्यकर्ताओं को लेकर किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी और क्या सोच रखा है आपने? हम सबकी ये मानना है कि जो नया अभी टीम आई है कांग्रेस में निकल के, हम सब चाहते हैं कि सारे कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे जिले के वो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता तक को साथ में लेकर कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुँचानी है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ जी का मैसेज पूरे जिले में उनका मैसेज पहुँचाना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।